हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 को। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 9.0 आउट ऑफ 10 और इसे 89% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अगर मेरी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं इसका एपिसोड नंबर 2 भी डालूंगी। अब क्योंकि हमें नाम से ही पता चलता है कि ये एपिसोड्स शर्लॉक होम्स के हैं, तो इसके आगे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितने ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि शर्लॉक होम्स पर्सनली मेरा दी मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है और मैंने उनकी सारी स्टोरीज, सारी नॉवेल्स सब पढ़ा हुआ है। एंड ही इज़ द बेस्ट डिटेक्टिव। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स 3 लोगों को देखते हैं जो कि एक पिल खा के सुसाइड कर लेते हैं। अब इतनी सारी एक जैसी सुसाइड्स को देखकर पुलिस का इसकी तरफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। अब यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड मीडिया को बता रहा होता है इन सभी केसेस के बारे में, कि तभी वो एक बात बोलता है और तभी सबके फ़ोन पे मैसेज आता है रॉन्ग, मतलब कि वो जो बता रहा है वो रॉन्ग है। और ये मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं, हमारा डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर वॉटसन को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और अब वो अपने लिए कोई फ्लैटमेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंदन में रहना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए वो अकेले पूरे फ्लैट का रेंट नहीं दे सकते। डॉक्टर वॉटसन के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो स्टिक पकड़ के चलते हैं, और वो आर्मी में पहले अफगानिस्तान में पोस्टेड थे जहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और इस वक्त उनके ट्रीटमेंट चल रहे थे। अब यहाँ पर वॉटसन अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं, तो उनका फ्रेंड बोलता है कि वो किसी को जानता है जिसके साथ वो फ्लैट शेयर कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, शर्लॉक होम्स की। इसके बाद वॉटसन और उसका फ्रेंड शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए उसके लैब में जाते हैं, जहाँ पे शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को देखते ही बता देता है कि वो एक आर्मी का डॉक्टर है और वो अफगानिस्तान या फिर इराक दोनों में से किसी एक जगह पे पोस्टेड था। उसका एक भाई है जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है, पर वॉटसन अपने भाई को कुछ खास पसंद नहीं करता, और ऐसा हो सकता है कि उसका भाई शराबी हो और उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाला हो। अब डॉक्टर वॉटसन एकदम शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था और इस आदमी ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया। पर इसके बाद शर्लॉक होम्स अपने घर का एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पर आकर मेरा रूम देख लेना। अब नेक्स्ट सीन में वॉटसन शर्लॉक होम्स के घर बेकर स्ट्रीट पे जाता है, जहाँ की ओनर होती है मिसेस हडसन। अब जब वो ये रूम देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर लेस्ट्रेड आता है, जो कि शर्लॉक होम्स की हेल्प मांगने आया होता है, क्योंकि एक और सुसाइड हो गया होता है बिल्कुल उसी तरह से, पर इस बार मरने वाले ने एक क्लू छोड़ा होता है। तो अब शर्लॉक होम्स को क्राइम सीन पर जाना होता है, पर वो क्राइम सीन पर जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पर एंडरसन होगा, और एंडरसन पुलिस के डिपार्टमेंट का एक आदमी होता है जिसे शर्लॉक होम्स ज़रा भी पसंद नहीं करता, और एंडरसन और शर्लॉक होम्स की बिल्कुल भी नहीं बनती। पर क्योंकि वो केसेस को सॉल्व करने के लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इसलिए वो फाइनली रेडी हो जाता है, पर वो अपने साथ यहाँ पर वॉटसन को भी लेकर जाता है। अब जब वो लोग टैक्सी में जा रहे होते हैं तब वॉटसन पूछता है कि तुमने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे बताई, तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि मैं एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ, मतलब कि जब पुलिस को मेरी ज़रूरत होती है तब मैं उनको हेल्प करता हूँ, और जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारे लुक को और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर पता चल रहा था कि तुम किसी मिलिट्री के हो, पर तुम्हारे बोलने का तरीका किसी आर्मी के फौजी जैसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने गेस किया कि तुम आर्मी के डॉक्टर हो गए। तुम्हारी बॉडी पे टैनिंग है पर तुम्हारे हाथ पर वॉच वाली जगह पर टैनिंग नहीं है, जबकि लोग जब टैनिंग के लिए स्पेशली जाते हैं तो वो पूरी बॉडी पे टैनिंग लेते हैं, तो मतलब कि तुम किसी ऐसी जगह पे पोस्टेड होगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती होगी, और ये टैनिंग तुम्हें अपने काम करते वक्त पे मिली होगी, और तुम्हारी चाल में थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए तुम स्टिक यूज़ करते हो, पर इसके बाद भी तुमने लैब में आकर अपने लिए चेयर नहीं मांगी और तुम काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे, तो मतलब कि तुम जिस भी जगह पे पोस्टेड थे वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके बाद तुम मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो गए होगे,
और ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान या फिर इराक में ही हो सकती है। और तुम्हारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर इतना एक्सपेंसिव फ़ोन रखने के बाद भी तुम एक फ्लैटमेट ढूंढ रहे हो, तो मतलब कि तुम इतना एक्सपेंसिव फ़ोन अपने पैसों से नहीं ले सकते, मतलब ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है। अब फ़ोन के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस बने हैं, जो कि एक बार में नहीं बने, काफ़ी टाइम में बने हैं। और ये स्क्रैचेस तब बनते हैं जब आप अपनी पॉकेट के उस पॉकेट में फ़ोन डाल लेते हो जिसमें कॉइन्स और चाबी वगैरह रखी होती है। और तुम्हारे जैसा आर्मी वाला आदमी ऐसे नहीं करेगा अपने इतने एक्सपेंसिव फ़ोन के साथ, तो मतलब कि ये फ़ोन किसी ने पहले यूज़ किया होगा और फिर उसने तुम्हें दिया है। और इस फ़ोन के पीछे लिखा हुआ है हैरी वॉटसन फ्रॉम क्लारा, तो मतलब हैरी तुम्हारा भाई होगा और क्लारा उसकी वाइफ होगी। और अब क्योंकि उन दोनों के बीच में डिवोर्स होने जा रहा है और हैरी क्लारा से रिलेटेड किसी चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो उसने ये तुम्हें दे दिया। और इस फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा निशान बने हुए हैं, और ऐसे निशान तब बनते हैं जब इंसान नशे में हो और वो सही से चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज लगा ही ना पा रहा हो, तो मतलब कि तुम्हारा भाई ड्रिंक भी करता है। अब वॉटसन बोलता है कि तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही थी, तुम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पर बस एक बात गलत थी, असल में हैरी मेरी बहन का नाम है जिसका कंप्लीट नाम है हैरियट। अब तक ये लोग क्राइम सीन पर पहुंच चुके होते हैं, तभी वहाँ पर एंडरसन आता है और वो इन लोगों को अंदर जाने से मना करता है। तो शर्लक होम्स बोलता है कि तुमने जो डीओ लगाया है वो एक मेल का डीओ है, और मैंने तुम्हारी फीमेल कलीग में से भी वही डीओ स्मेल किया है, और तुम्हारी वाइफ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, तो मतलब कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। और ये बात सुनते ही एंडरसन को बुरा लग जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है, और शर्लक होम्स और वॉटसन क्राइम सीन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर अंदर हम विक्टिम को देखते हैं जिसका नाम होता है जेनिफर, जिसने पूरी तरह से पिंक कपड़े पहने होते हैं, पिंक कपड़े, पिंक नेल पेंट, पिंक नेल पॉलिश, सब कुछ पिंक। और यहाँ पर फ्लोर पर उसने अपने नाखून से खुरेद कर लिखा होता है RACHE। अब शर्लक होम्स सोचता है कि RACHE का मतलब जर्मन में होता है रिवेंज, पर इसके बाद उसका ध्यान जाता है कि थोड़ी देर पहले उसने हैरियट को हैरी समझा था, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई और नाम हो। और फिर वो समझ जाता है कि ये नाम है रेचल, जो कि किसी इंसान का नाम है। अब वो उसके कपड़े चेक करता है जो कि वेट होते हैं, और ये कपड़े कॉलर के अंदर के साइड पर भी वेट होते हैं, प्लस उसके पास एक अम्ब्रेला भी होता है पर वो पूरा ड्राई होता है, तो मतलब कि वो लेडी किसी ऐसी जगह से आ रही थी जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और साथ में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तेज़ बारिश और तेज़ हवा की वजह से उसने अपना कॉलर ऊपर किया होगा, जिससे कि कॉलर के अंदर भी पानी चला गया, और अम्ब्रेला नहीं निकाला क्योंकि वो हवा इतनी तेज़ थी कि वहाँ पर अम्ब्रेला नहीं खोला जा सकता था। पर इस वक्त लंदन में ऐसी बारिश नहीं हो रही है, जबकि लंदन के आसपास सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, और उस जगह का नाम है कार्डिफ, तो मतलब कि ये लेडी कार्डिफ से आ रही थी। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है वो सारी बिल्कुल साफ है, बस उसकी इंगेजमेंट रिंग गंदी है, तो वो उसकी इंगेजमेंट रिंग को उतार लेता है। अब इंगेजमेंट रिंग अंदर से साफ होती है जबकि बाहर से गंदी होती है, तो मतलब कि वो लेडी बार बार अपनी रिंग को उतारती है, प्लस वो उसे कभी साफ नहीं करती, तो मतलब कि वो अपनी शादी की लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो उसे उतारती इसलिए है क्योंकि उसके काफ़ी सारे BF होंगे और उसके किसी भी BF को ये पता ना चले, इसलिए वो अपनी रिंग को उतार देती होगी। यहाँ पर वो ये भी नोटिस करता है कि विक्टिम के पैर पर टायर के निशान हैं, तो मतलब कि उसके पास एक ब्रीफकेस भी होगा जिसके निशान उसके पैर पे हैं, पर यहाँ पर कहीं भी उसे ब्रीफकेस नहीं मिलता है। तो वो लेस्ट्रेड से पूछता है, तो लेस्ट्रेड भी बताता है कि उन्हें कोई भी ब्रीफकेस नहीं मिला। तो अब शर्लक होम्स बोलता है कि रेचल को ढूंढो, और ऐसे बोलकर वो ब्रीफकेस ढूंढने के लिए निकल जाता है, और बेचारा डॉक्टर वॉटसन वहीं पर खड़ा रहता है। तो वो यहाँ से बाहर निकलता है और वापस से बेकर स्ट्रीट वाले रूम की तरफ को निकल जाता है। जब वो रूम पे पहुँचता है तो वहाँ पे शर्लक होम्स पहले से ही होता है, और वो वॉटसन को बोलता है कि अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करो और टेबल पर एक नंबर लिखा है उस नंबर पे भेजो। ये नंबर और किसी का नहीं, विक्टिम जेनिफर का होता है। और यहाँ पर मैसेज में होता है कि वो किसी आदमी को एक एड्रेस बता रहा होता है कि इस जगह पर आकर उससे मिलो।
अब ये मैसेज सेंड करने के बाद शर्लॉक होम्स एक पिंक कलर का सूटकेस लेकर आता है। ये सूटकेस जेनिफर का ही होता है जो कि उसने ढूंढ लिया था। अब उसने ये सूटकेस ऐसे ढूंढा था कि उसे लगा कि किलर के पास ये सूटकेस रह गया होगा और थोड़ी आगे जाकर उसे पता चला होगा। अब ये सूटकेस एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता था, इसलिए उसने इधर ही उधर उसे फेंक दिया होगा। इसके बाद वो क्राइम सीन के आसपास की हर जगह के कचरे के डिब्बे वगैरह में सर्च करता है और उसे फाइनली वो सूटकेस मिल जाता है। और क्योंकि ये सूटकेस भी पिंक कलर का होता है, इसलिए शर्लॉक होम्स को विश्वास हो जाता है कि ये भी जेनिफर का ही होगा। और किलर के पास जेनिफर का फ़ोन है, क्योंकि इस सूटकेस में उसे कहीं पर भी फ़ोन नहीं मिला और क्राइम सीन पर भी फ़ोन नहीं था। और एक शहर से बाहर निकली हुई लेडी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ़ोन ना रखे। अब किलर वो फ़ोन गलती से जानबूझकर जैसे भी उसको लेकर गया होगा। अगर ये फ़ोन किलर के पास हुआ और उसने मैसेज पढ़ा तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, और अगर यही फ़ोन किसी नॉर्मल इंसान के पास हुआ तो वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद शर्लॉक होम्स और वॉटसन उसी एड्रेस पर जाते हैं जो एड्रेस उसने जेनिफर के फ़ोन पे मैसेज किया था। यहाँ पर शर्लॉक होम्स बाहर देखता है कि एक टैक्सी खड़ी होती है जो कि काफ़ी देर से खड़ी होती है, पर उसका पैसेंजर उससे बाहर नहीं उतर रहा होता है। तो होम्स को कुछ शक होता है और वो उस टैक्सी का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते होम्स उस टैक्सी को एक जगह पर रोक लेता है, पर उसके अंदर से जो पैसेंजर निकलता है उसे देखकर होम्स को पता चल जाता है कि ये किलर नहीं हो सकता, और उसे लगता है कि उससे कोई मिस्टेक हो गई है। पर तब तक यहाँ पर वो लोग ऐसे पीछा कर रहे थे तो यहाँ पर पुलिस आ गई होती है। तो वो लोग पुलिस से बचते हुए भागते हैं और वापस से अपने रूम पर आते हैं। अब जब वो लोग रूम पर पहुँचते हैं तभी वो लोग जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे उसका ओनर आता है वॉटसन की स्टिक लेकर। तो मतलब कि हमेशा से स्टिक का सहारा लेकर चलने वाला वॉटसन आज भाग कर आया था बिना स्टिक के, और उसे ये बात पता भी नहीं चली। तो मतलब कि उस ट्रॉमा की वजह से उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो अब चल नहीं सकता, पर रियलिटी में वो बिना स्टिक के भी बहुत अच्छे से चल सकता है, इनफैक्ट दौड़ सकता है। अब वो लोग ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आई होती है और वो शर्लॉक होम्स के रूम की तलाशी ले रही होती है ड्रग्स को ढूंढने के लिए। एक्चुअली ये सारा किया कराया एंडरसन का होता है जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया था, पर उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। पर उन्हें यहाँ पर वो पिंक वाला सूटकेस ज़रूर मिलता है। तो एंडरसन तो शर्लॉक होम्स पर शक करता है, पर लैस्ट्रेड को पता होता है कि शर्लॉक होम्स ऐसे मर्डर वगैरह नहीं करेगा और उसने सब कुछ इस केस को सॉल्व करने के लिए किया होगा। अब लैस्ट्रेड बताता है कि रेचल जेनिफर की बेटी का नाम है जिसका डेथ हो गई है। अब शर्लॉक होम्स सोचता है कि वो अपनी मरी हुई बेटी का नाम क्यों लिखेगी, वो भी तब जब उसे ये नाम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने नाखूनों से घिस के लिखना पड़ रहा होगा, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ होगा। जेनिफर के कई सारे अफेयर्स थे, तो मतलब कि वो एक काफ़ी स्मार्ट लेडी थी। अब होम समझ जाता है कि जेनिफर ने जानबूझकर वो फ़ोन किलर के पास छोड़ा था ताकि वो हमें क्लू दे सके। इसके बाद वो अपना लैपटॉप खोलता है और उसे उस सूटकेस के ऊपर एक ईमेल आईडी लिखी होती है, तो वो उस ईमेल आईडी को लिखता है और वही पासवर्ड डालता है, और इसके बाद वो जेनिफर की फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते थे जो कि उसने जानबूझकर लिखा था ताकि पुलिस उसके किलर तक पहुंच सके। पर ये फ़ोन तो बेकर स्ट्रीट पर ही दिखा रहा होता है और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि जहाँ पर वो लोग हैं वहीं पर किलर कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर मिसेस हडसन आती है और बोलती है कि शर्लॉक होम्स आपकी टैक्सी आ गई है, पर होम्स कहता है कि मैंने तो कोई टैक्सी नहीं मंगवाई। इसके बाद वो समझ जाता है कि वो किलर टैक्सी ड्राइवर है, इसीलिए जब वो उस टैक्सी का पीछा कर रहे थे तो उनसे मिस्टेक नहीं हुई थी, वो बिल्कुल सही टैक्सी का पीछा कर रहे थे, पर असल में किलर वो पैसेंजर नहीं वो ड्राइवर था जिस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। अब तभी शर्लॉक होम्स के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि मेरे साथ चलो, और इसके बाद वो देखता है कि मिसेस हडसन के पीछे एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा होता है। अब वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है और शर्लॉक होम्स उसके पीछे चला जाता है। अब वो ड्राइवर बोलता है कि अगर तुमने मेरे बारे में पुलिस को बता दिया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पर मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगा, पर अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो अब शर्लॉक होम्स उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उसी टैक्सी में बैठ जाता है।
अब यहाँ पर पहुँचते ही शर्लक होम्स अपने फ़ोन से अपनी लोकेशन का मैसेज वॉटसन को भेज देते हैं, जो कि वॉटसन देख लेता है और वो तुरंत उसी जगह के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर जब वो लोग बैठे होते हैं तब ड्राइवर बोलता है कि मैंने किसी को भी डायरेक्टली नहीं मारा, मैं बस उनसे बात करता था और बाद में वो खुद ही खुद को मारते थे और मैं यहाँ पर उनके साथ एक गेम खेलता था। यहाँ पर दो बॉटल्स हैं, एक में सुसाइड करने वाली दवा है और दूसरे में नहीं, और दोनों में से कोई एक चुनने का ऑप्शन होता है, मतलब 50-50 चांसेस, और मैं हर बार जीत गया था और वो लोग हर बार हार गए इसलिए मर गए। अब शर्लक होम्स बोलता है कि तुम अकेले रहते हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और मैंने टैक्सी में तुम्हारे बच्चों की फ़ोटो देखी थी जिसमें से तुम्हारी वाइफ की फ़ोटो फटी हुई थी। अब ऐसा हो सकता है कि अब उसकी डेथ हो गई हो और तुम ये सारा काम और ये सारे पैसे सिर्फ अपने बच्चों को भेजते हो। अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ ये सच है, मुझे ऐसे लोगों को मारने के लिए कोई पैसे देता है और मैं वो पैसे अपने बच्चों को भेजता हूँ। दूसरी तरफ वॉटसन उस जगह पर पहुँच तो जाता है पर वो गलती से उसी के सामने वाली दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। अब होम्स इस ड्राइवर को बोलता है कि तुम मुझे खुद से नहीं मार सकते और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो ड्राइवर बोलता है कि अगर तुम्हें दोनों में से कोई एक बॉटल चूज़ करनी पड़ती तो तुम कौन सी करते। तो इस पर होम्स वापस जाता है और एक बॉटल उठा लेता है। अब यहाँ पर वो कैप्सूल खाने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से दूसरी वाली बिल्डिंग में से वॉटसन उस विंडो पे खड़ा था जहाँ से सामने से उसे शर्लक होम्स दिख रहा था। तो अब वो होम्स को बचाने के लिए ड्राइवर के ऊपर शूट करता है और शूट उसके सीधे दिल के पास लगता है और वो ड्राइवर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। तो अब होम्स उससे पूछता है कि तुम्हें कौन पैसे देता था और कौन तुम्हारा बॉस था। तो इस पर वो ड्राइवर बोलता है मोरियार्टी। अब अगर यहाँ पे किसी ने शर्लक होम्स की मूवीज़ देख रखी है या फिर उन्होंने शर्लक होम्स की स्टोरीज़ और नॉवेल पढ़ी है तो उन्हें पता होगा कि मोरियार्टी शर्लक होम्स के लेवल के जितना ही इंटेलिजेंट इंसान होता है, जो कि एक मैच का प्रोफेसर होता है, और इसकी और शर्लक होम्स की एक बहुत ही ख़तरनाक फाइट भी होती है और वो शर्लक होम्स के अगेंस्ट बेस्ट विलन होता है। मैं आइरिन एडलर को विलन में काउंट नहीं कर रही इसलिए। इसके बाद वो ड्राइवर मर जाता है और शर्लक होम्स वहाँ से निकल आता है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच आती है और किसी को पता नहीं चलता कि उस ड्राइवर को वॉटसन ने मारा था सिवाय शर्लक होम्स के, पर होम्स ये बात पुलिस को नहीं बताता है। और एंड में वॉटसन उससे पूछता है कि उस ड्राइवर ने तुम्हें क्या बताया, तो शर्लक होम्स उसे मोरियार्टी का नाम बता देता है। अब इसके बाद हम माइक्रॉफ्ट को देखते हैं। माइक्रॉफ्ट शर्लक होम्स का बड़ा भाई होता है जो कि शर्लक होम्स से एकदम ही अपोजिट होता है, और अगर आप लोगों ने एनोला होम्स देखी है तो फिर आप माइक्रॉफ्ट को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आपने एनोला होम्स नहीं देखी है तो फिर आपको एक बार वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब यहाँ से शर्लक होम्स और वॉटसन के जाने के बाद माइक्रॉफ्ट बोलता है कि इन दोनों के ऊपर नज़र रखो, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।